हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकेंड विकास मैथमेटिक वर्क बुक एनसीईआरटी। आर यू फाइन स्टूडेंट्स? आई होप यू विल ऑल फाइन। आप घर पे तो फाइन स्टूडेंट्स। टुडे स्टार्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक। नाउ वी स्टार्ट स्टूडेंट्स चैप्टर 10 एट अवर पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 110 तक कंप्लीट करा दिया था, आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स पेज नंबर 111। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 111 में क्या था, ये 23 प्लस 7 प्लस 30 पर इक्वल 30 कैसे आया था स्टूडेंट? तो क्या करना स्टूडेंट्स, फ्रॉम बोथ गिवन नंबर स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द स्मॉलर नंबर टू द बिगर नंबर। हमें क्या करना है, दी गई जो दोनों संख्या है, जो दिए गए दोनों नंबर है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, दोनों जो संख्याओं में से छोटी संख्या के बाद से हमें क्या करना है, छोटी संख्या से गिनना शुरू करना है और बड़ी संख्या तक हमें जाना है। स्टूडेंट हमें क्या करना है, छोटी संख्या की स्मॉलर नंबर से हमें बिगर नंबर बड़े नंबर पे जाना है। ओके स्टूडेंट, देख सकते हो स्टार्ट एडिंग फ्रॉम हर अप टू हर। ओके स्टूडेंट, तो क्या करना है, यहां से गिनने का है और यहां तक शुरू करना है। ओके, तो हमको यहां से गिनना और यहां से यहां तक, यहाँ पर 23 से स्टार्ट करना है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, एग्जाम्पल को देखकर हमें जो दिए गए स्टूडेंट्स हमें इनको सॉल्व करना है। ओके, देखते स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है वन नंबर में 12 प्लस, यहाँ पे बॉक्स है, ये ब्लैंक है, हमें फिलअप्स करना है 12, 20। स्टूडेंट 12 में कितने नंबर हमें ऐड करना है, तो जो हमें 20 आएगा, तो हमें क्या करना स्टूडेंट्स से पता है, इसमें हमें स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर तक जाना है। तो हमें स्टूडेंट्स ये स्मॉलर नंबर है ना, तो हमें बिगर नंबर तक जाना है। किस तरह से काउंटिंग करेंगे, तो 12 में कितना करेंगे, 8 काउंटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो आंसर होगा हमारा 20। कितना होगा, 20। अब टू नंबर में 14 प्लस इक्वल 25। तो स्टूडेंट्स 40 में हमें कितना नंबर ऐड करना है, जिससे 25 आंसर आएगा, तो 40 में हम प्लस 11 करेंगे तो आंसर हमारा 25 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 30 प्लस इक्वल 24, तो ये जो बॉक्स हमारा ब्लैंक है, इसमें कितना नंबर हमें फिलअप्स करना है कि जो आंसर हमारा 24 आएगा। तो स्टूडेंट 30 प्लस 11। फोन नंबर 7 प्लस इक्वल 25, तो हमें 7 में कितना नंबर ऐड करना है, जिससे 25 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट 7 में हम करेंगे 18 ऐड करेंगे, तो आंसर हमारा आएगा 25। 5 नंबर प्लस 11, ओके अभी तो स्टूडेंट हमने किया, तो जो आगे के नंबर लिखे हुए थे बाद के नंबर में करना है। इसमें क्या था स्टूडेंट, इसमें बाद का नंबर लिखा, आगे का नंबर हमें यहाँ पे फिलअप्स करना है। ओके, प्लस 11 इक्वल 16, तो हमें 11 में कितना नंबर ऐड करना है, जिससे आंसर में 16 आएगा, तो हमें करना है 5। ओके, 5 प्लस 11 इक्वल 16। 6 नंबर प्लस 9 इक्वल 23, ओके स्टूडेंट्स, तो प्लस 9 तो आंसर हमारा 23 में, तो हमें 9 में कितना नंबर ऐड करना है, जिससे आंसर हमारा 23 आएगा, तो हमें करना है 1 for 14। ओके, तो 14 प्लस 9 इक्वल 23। 7 नंबर प्लस 18 इक्वल 26, ओके तो स्टूडेंट्स हमें 26 में कितना नंबर ऐड करना है, जिससे हमारा आंसर 18 में कितना नंबर ऐड करना है, जिससे आंसर हमारा 26 आएगा। तो स्टूडेंट्स हम 8 में करेंगे, 8 प्लस 18 होगा, तो आंसर हमारा आएगा 26। 8 नंबर है प्लस 15 इक्वल 30, ओके स्टूडेंट, तो 50 में कितना नंबर ऐड करेंगे, जो आंसर हमारा 30 आएगा, तो 50 प्लस 50 करेंगे तो आंसर हमारा 30 आएगा। 9 नंबर 21 प्लस इक्वल 29, तो 21 में कितना नंबर ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 29 आएगा, 29, तो 21 प्लस 8 इक्वल 29, तो 21 में 8 नंबर ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 29 आएगा। 10 नंबर है 18 प्लस इक्वल 27, ओके स्टूडेंट, तो 18 में कितना नंबर ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 27 आएगा, तो 18 में 9 ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 27 आएगा। 11 नंबर है 6 प्लस इक्वल 17, स्टूडेंट 6 में कितना नंबर ऐड करेंगे, जिससे 17 आंसर आएगा, तो 6 में 11 ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 17 आएगा। 12 नंबर है 17 प्लस इक्वल 30, 70 में कितना नंबर ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 30 आएगा, तो 70 में 30 ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो आंसर हमारा 30 आएगा। ठीक है, 30 नंबर प्लस 13 इक्वल 18, स्टूडेंट 30 में कितना नंबर ऐड करेंगे, जिससे हमारा आंसर 18 आएगा, तो 5 ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 18 आएगा। 40 नंबर प्लस 7 इक्वल 20, स्टूडेंट 7 में कितना नंबर ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 20 आएगा, तो 7 में हम 30 ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 20 आएगा। 50 नंबर प्लस 14 इक्वल 28, तो स्टूडेंट्स तो 40 में कितना नंबर ऐड करेंगे, जिससे आंसर हमारा 28 आएगा, तो 40 प्लस 40 28।
लास्ट है 60 नंबर प्लस 17 इक्वल 21। ओके स्टूडेंट, तो क्या इसमें क्या दिखा है, 17 में कितना नंबर ऐड करेंगे जिससे आंसर हमारा 21 आएगा। तो 4 प्लस 17 इक्वल 21, 4 में प्लस 17 करेंगे जिससे आंसर हमारा 21 आएगा। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट ये, अब अंडरस्टैंड, आपको क्या करना स्टूडेंट, समझो, आपको समझना है एडिशन ऑफ 3 वन डिजिट नंबर विदाउट कैरी, आई मीन एडिशन ऑफ 3 एक अंक वाली तीन संख्या, एक अंक वाली तीन संख्याओं का जोड़ विदाउट कैरी, बिना हासिल के जोड़ना है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है, एड मीन्स जोड़ करा हुआ है, देखो 6 प्लस 2, 2 प्लस 4। ओके, तो स्टूडेंट देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल मैथोड, ओके पद्धति वन, आप देखो यहाँ पर पद्धति वन दी गई है 6 प्लस 2, 2 प्लस 4, तो कैसे दिया करा गया स्टूडेंट, देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 6 प्लस 2 8, ओके और यहाँ पर 4, तो 8 प्लस 4 तो इक्वल 12। मैथड टू, ओके पद्धति टू, तो 6 प्लस 2 एंड प्लस 4 कैसे दिया गया स्टूडेंट, देख सकते हैं आप लोग 6 प्लस 4 10, ओके प्लस 2 तो 12। मैथड थ्री, आई मीन पद्धति तीन किस तरह से दी गई, देख सकते स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 प्लस 2, 2 प्लस 4, तो कैसे दिया गया स्टूडेंट, 6 का 6, ओके और 4 प्लस 2 6 इक्वल 12 स्टूडेंट। तो तीनों में आंसर सेम सेम 12 आया, पर सबकी पद्धति अलग थी, सबकी मैथड अलग थी। ओके, मैथड वन अलग डिफरेंट से, मैथड सेकंड भी और मैथड थ्री, तीनों में अलग, तीनों में तो बहुत ही डिफरेंट है देखने में कि किस तरह से किया गया, पर आंसर तीनों का सेम ही है 12। ओके, स्टेप वन, फर्स्ट एड एनी टू नंबर्स। तो स्टूडेंट्स जो स्टेप वन दिया गया है, सोपान वन में पहले कोई भी दो संख्याओं को जोड़ किया गया, तो फर्स्ट स्टेप में देखो कोई भी दो संख्या को जोड़ा हुआ है, देख सकते हो स्टूडेंट 6 प्लस 2 जोड़ा यहाँ पर, यहाँ पर 4, ओके तो कोई भी दो संख्या को जोड़ करना है। नेक्स्ट स्टेप टू, एड थर्ड नंबर टू द एडिशन, और सोपान टू में आए हुए परिणाम में तीसरी संख्या को जोड़ना है, आई हुए जो नंबर आया है, जो आता है नंबर काउंटिंग करने के बाद उसमें तीसरी संख्या को जोड़ना है। ओके, क्वेश्चन फोर, एड जोड़ करना है। ओके, यहाँ पे दिया गया है 2 प्लस 4, 4 प्लस 6, तो स्टूडेंट्स हमें कैसे करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले दो संख्या को जोड़ना है ना, तो 4 प्लस 2 6, ओके फिर यहाँ पर 6 ले लेंगे तो कितना होगा 12। अब ये 7 प्लस 8, 8 प्लस 2, तो हमें कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7 प्लस 8 कितना हुआ 50, एंड 50 प्लस 2 कितना होगा स्टूडेंट 17। 3 प्लस 5, 5 प्लस 8 कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, ओके फिर 8 प्लस 8 ले लेंगे तो 8 प्लस 8 कितना होगा इक्वल 16। 5 प्लस 6, 6 प्लस 6 कैसे करना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स 5 प्लस कितना होगा 11, और 11 प्लस 6 करेंगे तो इक्वल 17 आंसर आएगा हमारा 17। 4 प्लस 5, 5 प्लस 6, तो स्टूडेंट्स कैसे करना है हमें यहाँ पर 4 प्लस 5 का 9 हो जाएगा एंड प्लस प्लस 6 तो इक्वल 15, तो 9 प्लस 6 इक्वल 15, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 का हो जाएगा 12 और 12 प्लस 4 16। तो स्टूडेंट्स हमने कैसे क्या, पहले दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो ओके तो 9 प्लस 3 क्या, तो आंसर हमारा 40, फिर तीसरी संख्या को जोड़ना है तो प्लस 4, फिर स्टूडेंट्स ये संख्या को जोड़ के फिर जो आंसर यहाँ पर करना है 8 प्लस 3 प्लस 4, तो स्टूडेंट्स क्या करना है यहाँ पर 8 प्लस 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, 8 प्लस 3 हमारा होगा 11 प्लस 4, फिर 4 11 प्लस 4 आंसर 15, 4 प्लस 4 प्लस 4 तो 4 प्लस 4 किया तो 8, 8 प्लस 4 12, 2 प्लस 6, 6 प्लस 3 तो 2 प्लस इतना 6 तो 2 प्लस 6 होगा 8 और 8 प्लस 3 11, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 7 प्लस 4, 4 प्लस 7, तो स्टूडेंट 7 प्लस 4 होगा 11 एंड प्लस 7 तो कितना होगा स्टूडेंट्स 18, 3 प्लस 4, 4 प्लस 0, तो स्टूडेंट कैसा करना है हमें 3 प्लस 4 7, ओके 7 प्लस 0 इक्वल 7 आंसर है हमारा 7। 6 प्लस 3 प्लस 4, तो स्टूडेंट 6 प्लस 3 9 प्लस 4 आंसर आएगा हमारा 13, 9 प्लस 5
14 एंड 40 प्लस 1 करना है तो 40 प्लस 1 15, 5 प्लस 6 6 प्लस 7 तो 5 प्लस 6 करेंगे तो 11 एंड प्लस 7 तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 18, 9 प्लस 2 2 प्लस 1 तो 9 प्लस 2 करेंगे स्टूडेंट्स 11 प्लस 1 इक्वल 2, 9 में 2 ऐड किया तो 11 आ गया, फिर 11 प्लस 1 करना है तो इसे इक्वल 12, तो आंसर आ गया हमारा 12, 5 प्लस 2 2 प्लस 5 तो 5 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट 7, और 7 प्लस 5 करना है 7 प्लस 5 होगा 12, 6 प्लस 7 6 प्लस 7 30 एंड प्लस 8 करना है तो इक्वल आंसर कितना आएगा 21, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 9 9 प्लस 4 तो 8 प्लस 9 करेंगे तो 17 एंड प्लस 4 24। तो स्टूडेंट्स ऐड हमारा कंप्लीट, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को देखा इसमें हमने एक अंक वाली तीन संख्या को जोड़ना, ओके देखिए स्टूडेंट्स वन वन नंबर वाली संख्या हमने जोड़ा, पहले क्या किया 2 प्लस 4 किया तो 6 आया, फिर 6 में प्लस 6 किया तो 12, तो स्टूडेंट्स तो हमने बिना हासिल विदाउट कैरी हमने इसे काउंटिंग किया, एडिशन हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन तो आप लोगों को पेज नंबर 111 करना है आपकी वर्क बुक्स में एंड सीडब्ल्यू नोट बुक्स में इसे सॉल्व करके आप लोग को ये मैं दे रही हूँ होमवर्क स्टूडेंट्स, ये पेज में आपको ये और ये ओके तो आप लोग ये दोनों लिखना है आपकी सीडब्ल्यू नोट बुक्स में एंड वर्क बुक्स में कंप्लीट करना है एंड पेज नंबर 112 लर्न बाय हार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।